नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो यार मेरा नाम है पारस सैनी और आज हम इस वीडियो में बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो यार हमारे सामने खड़ी है फॉक्सवैगन की टाइगून, पर्टिकुलर ये हाईलैंड वेरिएंट है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। तो मैनुअल ऑटोमेटिक इज अ सेकेंडरी, बात करने वाले हैं हम यार इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो इसमें आपको बताते हैं इस गाड़ी में आपको और गाड़ियों से अलग पॉजिटिव पॉइंट्स आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यार फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की। तो ये गाड़ी आपकी ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, इवन इन एडल्ट के साथ साथ चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में भी। तो यार ये आपको फर्स्ट पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं यार सेकेंड पॉइंट की। तो इस गाड़ी में ना यार आपको बेस्ट इन सेगमेंट व्हील बेस मिल जाता है, जो कि आपका 2651 mm का है। उस 2651 mm जो बेसिकली आपको जो इसका एडवांटेज रहती है, एक तो गाड़ी हाई स्पीड पे गाड़ी स्टेबल रहती है, एंड सेकंड चीज बेस्ट इन सेगमेंट आपको रियर में नी रूम एंड लेग रूम भी देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं यार इसके थर्ड पॉइंट के बारे में जो इसमें गाड़ी में मिलता है, तो वो है यार 4221 mm लेंथ होने के बाद और 2651 mm व्हील बेस होने के बाद भी ये गाड़ी आपकी 5.05 मीटर टर्निंग रेडियस में आपकी टर्न हो जाती है। इवन जो आपकी सब 4 मीटर कार होती है ना यार, वो भी इतने कम टर्निंग रेडियस में टर्न नहीं होती, सिवाय निसान की मैग्नाइट एंड ग्रेनो की काइगर को छोड़कर। तो यार देखो बात करते हैं इसके फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। इसमें आपको मिल जाता है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। तो यार देखो सबसे पहली चीज़ मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, 3 सिलेंडर कार आप कोई भी ड्राइव कर लेना, इस इंजन से ज़्यादा अच्छा रिफाइनमेंट लेवल आपको 3 सिलेंडर किसी भी कार में नहीं मिल सकता। ये आप चाहे चेक भी कर सकते हैं। बात करते हैं यार इसके फोर्थ पॉइंट के बारे में। 3 सिलेंडर में आपको 115 PS की पावर देता है, 178 Nm ऑफ टॉर्क। तो कहने का मतलब यार 1 लीटर के साथ आप इसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद भी ये 1 लीटर में ना आपको परफॉर्मेंस भी देता है। बात करते हैं यार इसके सिक्स पॉइंट के बारे में, तो वो है इस गाड़ी का माइलेज। इसमें आता है आपका 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड इसका सिक्स गियर जो है ना यार, वो इसका हाई स्ट्रेच गियर है। एक तरीके से आप कह सकते हो 2000 RPM होने के बाद भी ये गाड़ी अराउंड 96 और 97 की स्पीड पर चलती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो इंजन इतना पावरफुल है जो इस गाड़ी को लेकर चलता है, एंड इतनी पावर होने के बाद भी ये गाड़ी आपकी लोकल में 12 से 15 और हाईवे पे 19 से 20 तक का माइलेज आपका बेस्ट इन सेगमेंट देती है। तो यार देखो ये थी इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स कि आपको टाइगून लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। एक तरीके से जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो हमने इसमें हाईलाइट करे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं यार इसी तरीके के नेक्स्ट कॉन्टेंट्स के साथ।